बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मेष राशि, सेहत आपकी कुल मिला जुला कर अच्छी दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य की जो मुश्किलें थी, दिक्कतें थी, अब वो थोड़ी कम हो जाएंगी। धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए बने हुए हैं और संतान पक्ष की उन्नति होने की सूचना भी फिलहाल दिख रही है। आप ऐसा करिए, किसी गरीब आदमी को कुछ पैसे का दान कर दीजिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ धन का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, आनंद मंगल का समय चल रहा है, करियर में आपके सुधार होगा, करियर में आपको लाभ होगा, स्वास्थ्य की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। एक लोटा जल अगर आप भगवान शिव को समर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, काफी मेहनत वाला दिन दिख रहा है, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन देखिए मेहनत से आपको लाभ होगा, आपके करियर की समस्याएं हल होंगी। धन के लेन देन में भी इस समय आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय अगर आप भगवान गणेश की उपासना करें तो आपका दिन तो शुभ होगा ही, आपके काम बनेंगे, आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कर्क राशि, देखिए मैं ये कहूंगा कि चिंताएं बहुत हैं, इस चिंता के चक्कर में सेहत आपकी अच्छी नहीं दिख रही है। थोड़ा सा ध्यान खासतौर से हड्डियों का, अपने स्वास्थ्य का बनाए रखिएगा। और देखिए बहुत सारे निर्णय इस समय आपको लेने पड़ सकते हैं, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। राहत की बात यह है कि थोड़ा सा मुश्किल समय आ गया है तो किसी मित्र का सहयोग साथ आपको इस समय मिलेगा। एक लोटा जल अगर आप भगवान शिव को समर्पित करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, आपकी मुश्किलें दिन की कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तिंग राशि, अगर आप अविवाहित हैं इस समय आपकी शादी तय हो सकती है। परिवार में शांति रहेगी, खुशहाली रहेगी, धन की स्थिति भी आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। एक लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, आपका दिन बेहतर होना शुरू हो जाएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, काम की अधिकता आपके लिए फिलहाल दिख रही है, काम आपका बढ़ा रहेगा, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में सुधार के योग भी आपके लिए दिख रहे हैं। किसी गरीब व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। तुला राशि, रिश्तों को लेके थोड़ी चिंताएं थी मन में, चलिए वो चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। धन की स्थिति में भी आपके सुधार होता हुआ निश्चित रूप से इस समय दिखाई दे रहा है और परिवार का अच्छा सहयोग आपके साथ बना हुआ है जो दिख रहा है। एक लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा, बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
वृश्चिक राशि, करियर में इस समय कुछ समस्या हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, ध्यान रखें। मित्रों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, ईगो प्रॉब्लम आ सकती है, शांत रहें। वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें, क्योंकि ये समय, ये दिन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। एक लोटा जल अगर आप भगवान शिव को समर्पित कर दें तो आपका दिन शुभ हो जाएगा, दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी, कोई शुभ सूचना आपको मिलेगी। परिवार के साथ आप व्यस्त रहेंगे, पारिवारिक मामलों में आपको दिक्कतें रह सकती हैं। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक है, वहां पर दिक्कत नहीं है। एक लोटा जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा, आपका दिन शुभ होगा, आपका दिन मंगलकारी होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। मकर राशि, धन लाभ के अच्छे योग फिलहाल आपके लिए दिख रहे हैं। करियर की स्थिति भी आपके लिए उत्तम दिखाई दे रही है। थोड़ा आराम करें, काम का प्रेशर बहुत है, थोड़ा आराम का ध्यान दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शनि मंत्र का आपको इस समय जप करना चाहिए, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा धानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य के मामलों में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं आपकी कम होंगी, मानसिक चिंताएं हल होंगी। धन प्राप्ति के सुंदर योग इस समय आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को अगर आप धन का दान करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत मंगलकारी होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, यात्राओं से बचाव करें, इस समय यात्राओं में जाना आपके लिए बेहतर नहीं होगा। जल्दबाजी में काम ना करें, जल्दबाजी में काम का निर्णय ना लें। किसी मित्र का सहयोग इस समय आपको मिलेगा, जिससे आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। भगवान शिव को एक लोटा जल अगर आप अर्पित कर दें तो आपका दिन शुभ होगा, दिन की मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम है।